हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आप ये जो प्लान देख रहे हैं, ये प्लान मैंने ग्रो किए है ऑनलाइन शीट से। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और ऑनलाइन शीट की वीडियोस जो मैं बनाती रहती हूँ उनकी ग्रोथ के बारे में भी बताती हूँ। और अभी आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन शीट है उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हुई है। और अगर आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और आज की वीडियो की अनबॉक्सिंग हम करने वाले हैं इन दो पार्सल की, जो अमेजोन से मुझे आज ही मिला है। तो ये कोकोपीट है जो हमें इस तरह के ब्लॉक में मिलता है, 650 ग्राम का ये है। और ये मुझे 88 रुपये में मिला है। और दूसरा जो पार्सल है एक 1 kg का है, जो 94 रुपीज़ में मुझे मिला है। तो चलिए दोनों को ओपन करते हुए देखते हैं कि कौन सा कोकोपीट जो है हमें ज़्यादा अच्छा मिलता है कम प्राइस में। तो ये जो 650 ग्राम का कोकोपीट है ट्रस्ट बास्केट का है, 88 रुपये में मुझे ये मिला है। तो पैकिंग अगर आप देखें तो नॉर्मल पैकिंग इस तरह से किया हुआ है। ये देखिए, वैसे भी काफ़ी समय से जो था मुझे कोकोपीट की ज़रूरत थी, क्योंकि जो अभी तक मैं ऑनलाइन शीट की वीडियोस जो बना रही थी, ऑनलाइन शीट की ग्रोथ नॉर्मल मिट्टी में ही हो रही थी। बट अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि जो ऑनलाइन शीट होती है उनकी जो ग्रोथ कोकोपीट में कैसी होती है। तो गाइस बने रहेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ये देखिए, इस तरह से ट्रस्ट बास्केट का कोकोपीट 650 ग्राम का हमें मिलता है। 1.5 से 2 लीटर का ये कोकोपीट हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। और दूसरा जो पार्सल है उसे भी हम ओपन कर लेते हैं। ये अमेजोन चॉइस का है और इस तरह की पैकिंग में हमें ये मिला है, और 94 रुपीज़ में 1 kg का मिला है। तो चलिए इसे भी हम ओपन कर लेते हैं। 94 रुपीज़ में 1 kg, और इसमें बताया गया है 5 लीटर हमारा जो है कोकोपीट बनकर तैयार हो जाएगा। तो गाइस देखेंगे कि कौन सा कोकोपीट ज़्यादा हमें अच्छा और कम प्राइस में हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये देखिए, इस तरह का कार्ड हमें यहाँ पर मिला है, ये देखिए। तो चलिए इसे भी ओपन कर लेते हैं। और ये देखिए, इस तरह की पैकिंग में है। और ये जो है क्राफ्ट शीट का है, ये देखिए, ये क्राफ्ट शीट का जो ब्लॉक है, क्राफ्ट शीट का है। 1 kg में 5 लीटर बनकर जो है हमारा कोकोपीट तैयार हो जाएगा। तो चलिए गाइस, अब ये देखिए, मैंने एक बाल्टी भरकर ले लिया है पानी को। तो पानी मैंने अंदाजे से ही लिया है, और इसमें जो 650 ग्राम का ब्लॉक है उसे हम डालकर देखते हैं कि इसमें जो है कितना हमें यहाँ पर जो है कोकोपीट बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, आप देख सकती हैं ऊपर की तरफ ही ये तैर रहा है। और ये देखिए, इसे थोड़ा और अंदर की तरफ डुबो देती हूँ ताकि ये पानी अपने अंदर ले ले और जो कहीं से सूखा ना रह जाए। तो ये देखिए, इस तरह का जो है आप देख सकते हैं जो कोकोपीट है वो अच्छा है। इसमें ना ज़्यादा बड़ा कचरा है, ना बिल्कुल बारीक है ये देखिए, और ना ही कोई रेसे या बड़े बड़े छिलके यहाँ पर है। तो ऑनलाइन जो कोकोपीट ब्लॉक हमें मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिला है। ये देखिए, इस तरह का जो है कोकोपीट हमारा मिला है हमें। और अगर देखा जाए तो ये जो कोकोपीट है वो अच्छा है। तो देखते हैं कि ये कितना बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। तो मुझे लगता है पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो 1.5 से 2 लीटर बनकर जो है हमारा ये कोकोपीट तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे निथार कर मैं धूप में सुखा दूंगी, और देखेंगे कि हमारा जो कोकोपीट है वो कितना बनकर जो है 650 ग्राम का कितना बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए, इस तरह का कोकोपीट है। तो ये देखिए, मैंने धूप में इसे सुखा दिया है। 1.5 से 2 लीटर का जो बनने का था, तो मुझे लगता है ये कम से कम 3 kg तो बनकर तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं जो कोकोपीट है वो अच्छा है, ये देखिए क्वालिटी भी इसकी ज़्यादा अच्छी है। और दूसरी साइड मैंने फिर से उसी बाल्टी में पानी भरकर ले लिया है। तो ये भी पानी मैंने अंदाजे से ही लिया है, और 1 kg का जो है इसमें ब्लॉक डालकर देखते हैं कि इसमें जो है हमें कितना बनता है कोकोपीट। तो आप देख सकते हैं ये जो कोकोपीट है पानी को अपने अंदर जल्दी से ले रहा है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से डुबो देती हूँ ताकि कहीं से ये सूखा ना रह जाए। तो ये देखिए, पानी को जल्दी से इसने सोख लिया है, और भी पानी की इसमें ज़रूरत है। तो ये देखिए, तो इसमें मुझे लगता है पानी और ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं थोड़ा पानी और इसमें ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने पानी और ऐड कर दिया है, तो कहीं से ये सूखा ना रह जाए, तो इसलिए और पानी ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने ज़्यादा पानी ले लिया है, अंदाजे से ही लिया है, ताकि जो कोकोपीट है हमारा कहीं से सूखा ना रह जाए। तो आप देख सकते हैं ये जो कोकोपीट है, ये भी इसमें भी अगर आप देखें तो ज़्यादा बड़े रेशे या कोई छिलके नहीं है। ये वाला कोकोपीट भी आप देख सकते हैं बारीक ही है, ये देखिए, इस तरह का कोकोपीट है। तो इसे भी मैंने धूप में सुखा दिया है, दोनों को ही मैंने अलग अलग धूप में सुखा दिया है। तो अगर आप दूसरा वाला देखेंगे, ये देखिए, ये जो है 650 ग्राम का, मुझे लगता है 3 kg का तो बनकर तैयार हो चुका है। और ये दूसरा वाला जो है 1 kg का, तो उसमें मुझे लगता है 6 से 7 kg का तो बनकर तैयार हो गया है। तो ये भी कोकोपीट